हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का रूल नंबर 16 करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए और जो रूल नंबर 16 है वो देखिए किस तरीके से है, क्या बोलता है। द रेशो बिटवीन द टू डिजिट नंबर, कोई टू डिजिट का नंबर है और उसका जो रेशो है उसी के जो डिजिट है उनके सम के साथ है। और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यूनिट प्लेस सबसे पहले आपको क्या देगा। यूनिट प्लेस इज एन मोर देन द टेंथ प्लेस, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, जैसे कि नंबर है आपका 36, ये कोई नंबर है, ठीक है। अब कहता है रेशो बिटवीन द टू डिजिट नंबर, इस नंबर की रेशो और इनका सम, इनका सम कितना हो गया 9, ठीक है। इनकी रेशो आपको जो है बता रखी होगी, जैसे कितनी बता रखी होगी, 4:1 हो गया ना इनका, तो रेशो आपको गिवन होगी। और बोलता है जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है वो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है ना इससे कितनी मोर देन है, ये भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। और आपको क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है ये नंबर बताइए, आपको पूछ सकता है यूनिट डिजिट बताइए, आपको पूछ सकता है डेसिमल वाली डिजिट बताइए, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो वैसे तो कुछ ट्रिक दे रखी है कि इस बेस पे हम इनको निकाल सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि जो रेशो है वो तो है ए रेशो बी, वो तो क्या है ए रेशो बी, और जो नंबर दे रखा है ठीक है वो क्या है आपका एन, क्योंकि ये हो गया एन, एन मोर देन है ना। तो ये जैसे इसके अंदर हमको क्या निकालना है, नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर के लिए ट्रिक क्या है, ये वाली है, क्या 9 × a और 11 b, बी कितना है 1 और माइनस में 2 a, ए कितना है आपका, ए है आपका 4 और मल्टीप्लाई में कितना एन, तो ये आपका हो गया 36, 11 में से 8 चला गया 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 36, ठीक है। बट ये क्या है कि याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आपसे यूनिट प्लेस की डिजिट भी पूछ ले और हो सकता है आपसे टेंथ प्लेस की डिजिट भी पूछ ले, ठीक है। तो हम इसको बेसिक से ही करेंगे, क्योंकि इसकी ट्रिक जो है वो 3 पार्ट में है, इनको थोड़ा सा याद करना मुश्किल रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, जो कंसेप्ट है उसे करेंगे, ट्रिक भी मैंने बता दी है, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर सकते हैं अगर आपको याद रह जाए, और अभी आप जैसे वीडियो के साथ साथ नोट करेंगे तो बहुत अच्छा, वरना ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये PDF आपको मिल जाएगी। PDF कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो लिंक मिलेगा, उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो PDF है डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको कंसेप्ट से कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक बात बताइए पहले, ये टू डिजिट का नंबर है, देखिए ठीक है, टू डिजिट का नंबर है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको मान लीजिए एक्स, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको एक्स मान लीजिए, और ये मोर देन है किससे, जो टेन प्लेस पे डिजिट है उससे, ठीक है। इसको एक्स मान लीजिए या इसको एक्स मान लीजिए, मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स माना तो ये वाली जो डिजिट है टेंथ प्लेस वाले डिजिट से कितनी ज्यादा है, 1 more, तो x प्लस 1 होगी। तो अब ये बताइए ये नंबर क्या आया, ये नंबर क्या आया, तो इसको तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जो यूनिट प्लेस पे है, और प्लस में क्या कर देते हैं x प्लस में 1। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 36, 36 कैसे बनता है, 10 × 3 + 6 ऐसे बनता है ना। तो ये तो हो गया नंबर, और इनका रेशो किसके साथ है, इन डिजिट के सम के साथ, अगर इनका सम कर दें, इनका सम कर दें तो इनका सम आ जाएगा कितना, x प्लस में x प्लस 1, और ये जो रेशो दे रखा है ये दे रखा 5:1, ये आपको दिया हुआ है। तो ऊपर तो बना आपका क्या 11x प्लस में 1 और नीचे बना क्या 2x प्लस में 1 और ये है 5:1। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी क्या वैल्यू आई, 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आती है तो ये नंबर बना 5 और ये क्या बना 6, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, यूनिट प्लेस पे आपका तो 6 आ रहा है अभी नंबर, तो यूनिट प्लेस पे आपका जो नंबर है वो क्या आया, 6 आया, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 1 मोर देन द डिजिट ऑफ 10 प्लेस, 10 प्लेस पे डिजिट मानी x, ये हो गई x प्लस 1, तो जो रेशो है वो इस नंबर का, इस नंबर का जो रेशो है ये आ गया, ठीक है।
और इसका जो रेशो है सम ऑफ द डिजिट, इन डिजिट का सम करा तो ये हो गया, क्लियर। तो अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका फाइव नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा फोर आएगा। तो फोर आएगा तो आपका नंबर क्या बनेगा, आपका नंबर बनेगा ये फोर और ये फाइव। तो यूनिट प्लेस की डिजिट बतानी है तो आंसर क्या आ गया फाइव। अगर टेंथ प्लेस की पूछे तो क्या आ जाएगा फोर, और अगर नंबर पूछे तो क्या आ जाएगा 45, और इनका सम पूछे तो क्या आ जाएगा 9। तो जो भी आपसे पूछेगा वो आप बिल्कुल इजीली तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसी तरीके से नंबर एज्यूम करते हैं, तो यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो टेंथ प्लेस से कितना ग्रेटर है, फाइव ग्रेटर है, यूनिट वाला ग्रेटर है। तो इसको एक्स मान लिया और ये एक्स प्लस फाइव हो गया, तो नंबर हो गया 10x प्लस एक्स प्लस फाइव, और इसका रेशो किसके साथ, इनके सम के साथ, तो इनका सम आ गया ये, और ये रेशो कितना गिवन है 3:1। तो अगर हमने इसको सोल्व किया और नीचे ये बना 2x प्लस में 5 3:1, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 6x प्लस में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5x इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो ये 2 बना और ये 7 बना, तो नंबर तो आपका 27 आ गया। बट आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10th प्लेस डिजिट, तो 10th प्लेस पे क्या डिजिट है, 10th प्लेस पे आपकी डिजिट है 2, ठीक है। अगर 10th प्लेस पे पूछे तो 2, यूनिट प्लेस पे पूछे 7, नंबर पूछे तो 27, इन दोनों डिजिट का सम पूछे तो 9, कुछ भी पूछ सकता है, फिर तो आपका आंसर आ गया, आप बता सकते हैं किसी भी तरीके से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे, सेम तरीके से, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो 6 मोर देन है यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस वाली डिजिट 10th प्लेस से, तो ये x और ये x प्लस 6, ठीक है। तो अगर आप नंबर बनाते हैं तो नंबर बना 10x प्लस x प्लस 6, और इन दोनों डिजिट का जो सम है वो बना x प्लस में x प्लस 6, और इनका रेशो दे रखा है 14:5। बस सोल्व कर देंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा 2x प्लस 6, और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 55x प्लस में 30, देन 28x और ये हो गया आपका 84। तो ये इधर आके माइनस हुआ तो कितना हुआ 27x और ये 54, x की वैल्यू 2, तो नंबर आ गया 2 और 8, 28 आ गया। यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, तो 28 आ गया। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, इनका सम बताना है, तो इनका सम बताइए कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 10, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है, यूनिट प्लेस डिजिट पूछ सकता है, और 10th प्लेस डिजिट आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हो गए, तो बहुत अच्छे से करना है आपको, बिल्कुल ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ट्रिक से मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा तीनों, और बेसिक से करते हैं बहुत इजी रहेगा। तो जो बेसिक से आसान पड़ेगा बेसिक से बताएंगे, और जो ट्रिक से आसान पड़ेगा उसको ट्रिक से बताएंगे। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट करते जाएंगे, थोड़ी सी अभी स्पीड हम बढ़ाएंगे अपने वीडियो लेक्चर की, ठीक है, ताकि आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको जो है क्लासेज जो है प्रोवाइड हो पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रूल के अंदर।